होंगे शाबाश, बल्कि हैदराबाद नहीं सारे हिंदुस्तान के लिए। सियासी तौर पे आज सारे हिंदुस्तान में कोई क़यादत नहीं है जो आपकी मौजूदा फितने वाली जो सियासत करने वाले का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। आप यहाँ पर जो है उस शख्स को वोट दे के पार्लियामेंट के लिए हम मुंतखब करते हैं, उसके बाद में वो जाते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पर जाके बीजेपी का फायदा कराते हैं। जब फायदा कराते हैं और वहाँ पर जो मुसलमानों की खासकर जो हालत को तंग किया जा रहा है, हालांकि वो एक सियासत है, वो सियासत 90 तक भी जो है ना हमारे यहाँ पर हैदराबाद में चली, उसके बाद में यहाँ के हिंदू और मुसलमान समझ गए कि भाई ये जो है ना हमारे को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी हमारे छतीनाके के ऑफिसर्स बैठे हुए थे, 90 में भी हम लोग छतीनाके में थे, बाद में कुछ अर्सा हम लोग थाली मंडे में आए, अभी फिर हम लोग छतीनाके में आ गए। तो उस वक्त जब छतीनाका था शुरुआत हरियाणा से होती थी फसा की, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक भी रिकॉर्ड नहीं हुआ फसाद का जो जहां से अलिया हुआ, क्योंकि हम हिंदू भी समझ गया मुसलमान भी समझ गया, उन्होंने बोले आपस में झगड़ा कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सियासत होने वाली है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया के लोग कभी समझ में नहीं आई बात। आप देखिए पिछले कई दिनों से हैदराबाद के हालात खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन हिंदू और मुसलमान मैं दोनों को सलाम करता हूँ, जो बिल्कुल कहना इग्नोर कर दिए उन लोगों को, वो लोग कुछ जो है ना ये बोले कि भाई हमारे को फसाद करना नहीं है, हमको आपस में मिलकर रहने का है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये फसादी जो आप लोग जो है फितने के बीच को जो पानी डालते हैं, लेकिन आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में ये फितने के बीच को जरा सा आप लोग उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि जो आदमी हम अपने ये थोड़े कुछ दिन के बाद में निकलेंगे, एक मलूम को खड़ा करेंगे बीजेपी की तरफ से, बोलेंगे बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी मुसलमान बोलेंगे अरे भाई डालो वोट, अब नहीं, क्योंकि कम से कम 8 से 9 लाख मुस्लिम वोट है, अगर आधे आधे भी डिवाइड हो गए तो कोई तीसरा निकलने वाला नहीं है। ये जो है ना क्या दूसरी करा के जो है ना आप लोगों से वोट लेना, उसके बाद में पुराने शहर में 7 MLA को कॉन्ट्रैक्ट पर दे देना, अपन जाके जो है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, अभी 2 दिन पहले मैं हमारे फितने का एक बयान सुना कि महाराष्ट्र में भी उन्होंने जो है ना वो औरंगाबाद की सीट छोड़कर वाली 2-3 सीटा लड़ेंगे बोल के एक स्टेटमेंट दिए उन्होंने। तो उनका मतलब ये है कि भाई जाके दूसरे जो गांव बैठ है हिंदी बैठ है वहां पर जो है हिंदू मुसलमान करना, बीजेपी को फैला करना। तो ये जो है आपका फितना जो असदुद्दीन ओवैसी है, मैं खुल के बोल क्योंकि मेरे से उम्र में छोटा है बच्चा है, वो मैं 6 साल 2 साल का बड़ा हूं मैं, तो वो शख्स जो है उनके वालिद साहब के इंतकाल के बाद में जैसा अभी अब्दुल्ला खान खालिद ने कहा डेवलपमेंट की बात, गाजी मिलत अल्लाह मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने एक दवाखाना कायम किया था वार्डस में, आज भी मौजूद है, कई स्कूल कायम किए, हालांकि उस वक्त उतनी आबादी नहीं थी, उसके बावजूद भी जो है वो करे। आज स्कूल पुराने शहर में देखिए आप इनका छोटा भाई बोला मेट्रो लाइन पीछे से आना, आज चार मीनार से लेके फलकनुमा तक हर 10 मिनट को जो है ट्रैफिक जाम होती, हर 10 मिनट को ट्रैफिक जाम होती, कोई मास्टर प्लान नहीं है, अधूरा मास्टर प्लान हुआ, मेट्रो लाइन नहीं है, कोई पासपोर्ट ऑफिस क्या है यहाँ पर, शराब के दुकान, पुलिस स्टेशन, कोई पासपोर्ट का ऑफिस नहीं है, कोई सरकारी ऑफिस नहीं है, कोई कलेक्टर का ऑफिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, अब तो ये ड्रग्स का भी शुरू हो गया। हमें मुबारकबाद देता हूँ पुलिस वालों को जो 2 दिन पहले जो यहाँ पर फलकनुमा लिमिट से जो है ड्रग्स भी पड़ाई गई। तो बहरहाल ये क्या है, हम मुसलमान नौजवानों को जो है किस तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की जा रही, ये आपकी सियासत है। इतने साल के अंदर आप लोग क्या डेवलपमेंट करे, खाली आना बीजेपी आ जाती उन्हें ऐसा होता तकरीर करना, लच्छेदार तकरीर करना, उसके बाद में जीतना, जीत के चले जाना, वो भी फोकस वोट से, वो भी ईमानदार वोट से नहीं, क्योंकि हमारा MLA यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर करेगा कम से कम 15 से 20 हजार वोट से जो ना जीता हुआ MLA है ये, भले उसको जो है सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन अवाम याकूब बेग अवाम ने सर्टिफिकेट दी। और दूसरी बात, वहां की कारपोरेटर समीना बेगम वीडियो भी है, उनके घर में जो है ना निशाना मेट के
वो कैसे चलाए, ऐसे कई जगह के हुए, वरना 10 से 15,000 वोटों से जीता हुआ एमएलए आपके सामने आपके दरमियान में है। तो इंशाल्लाह आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी इस फितने को, असदुद्दीन अवैसी नाम के फितने को पहले खत्म करने की जरूरत है। मैं कॉलेज अपनी तफरी खत्म करने से पहले एक सोशल मीडिया पे जो आजकल ऑफिशियल पेज से जो ना डाला जाता इलेक्शन से पहले या कुछ होने के बाद में, कभी एक अमजदुल्ला खान की एक गाड़ी है वो मुर्शिद की, हालांकि वो एडिट करी वो डाल देते, वो बीच में जो है ना एक मेरी जो है वो गाना गाने वाली एक है ये दो तीन से वो भी चला, अगर तुम लोगों को होने का है पूरी मेरे पास वीडियो है वो दियो पूरी डालो उसके अंदर पूरे है, पहले मेरी वो गाने की डालते हैं उसके बाद मक्का मई तस्वीर डालते, कभी जो है फौज खान के साथ फोटो डालते, कभी कुछ ऐसा कहीं पढ़ते थे भाई पूरी वीडियो होने का है मेरे पास, आओ आप लोग पूरी स्टार्टिंग से लेके आखिर तक मेरे पास वीडियो है वो डालो, पब्लिक को मालूम होगा तुम एडिट करके छोटी करके मेरा डाल के उससे फायदा क्या होने वाला है तुम लोगों को, मेरे पास पूरी वीडियो है डालो इंशाल्लाह। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब ये है कि आने वाले हालात में तहरीक जो भी फैसला करेगी इंशाल्लाह अजीम हम तहरीक के साथ रहेंगे और तहरीक के जो सदर मोहतरम बोलेंगे हम उस पर जो है ना काम करेंगे। या जिंदा सोहत काफी और मैं दावत जिता दूंगा हमारे जीते हुए एमएलए या फिर पूरा जनाब अमजदुल्ला खान साहब को।